हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एंजल थेरेपी क्या होती है। थोड़ा सा आज हम एंजल्स के बारे में जानेंगे। एंजल थेरेपी होती क्या है? हम सबने सुना है एंजल्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं, तो हम पता करते हैं। तो एंजल थेरेपी जो होती है, ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसकी सहायता से हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अपनी किसी तरह की भी समस्या हो, पढ़ाई से कनेक्टेड, हमारी व्यवसाय से कनेक्टेड, हेल्थ से कनेक्टेड, हर एक समस्या को हल करने के लिए हम एंजल्स को पुकारते हैं। उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, उनको हल करने के लिए कहते हैं और वो हमारी सहायता करती हैं। ये थेरेपी बहुत सटीक है और बहुत कामगार है। अब हम जानते हैं ये एंजल थेरेपी होती क्या है और एंजल्स होते क्या हैं। उससे पहले ये तो जान ले कि एंजल्स होते क्या हैं। बचपन में हमने परियों की कई कहानियां सुनी हैं और ये कल्पना भी की है कि काश ऐसी कोई एक परी मुझे मिल जाए या कोई एक परा मुझे मिल जाए, उसे मुझसे प्यार हो जाए या फिर वो मेरी सारी की सारी समस्या दूर कर दे। तो बस समझ लीजिए, कुछ ऐसा ही वो कल्पनाएं सिर्फ आपकी कल्पना ही नहीं थी, कहानियां वाली वो परियां वाकई होती हैं। और खुश हो जाइए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे आसपास भेज रखा है। एंजल, परी या पंखों वाले ये देवदूत हमारे और ईश्वर के बीच का एक संदेश वाहक की तरह से काम करते हैं। वे एक पुल है ईश्वर और हमारे बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एंजल बड़े दयालु होते हैं, स्वभाव से ही बहुत दयालु होते हैं और वो चाहते हैं कि वे हमारी सहायता करें। वे सिर्फ हमारी पुकार की, हम उनको कॉल करें, उनको याद करें, उनसे हम याचना करें, वो केवल उस चीज़ की वेट करते हैं। और जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं ना, तो वो हमारी हेल्प बहुत जल्दी करते हैं। केवल उनको इतना चाहिए हम उनको याद करें और उनको हेल्प के लिए पुकारें, वो तुरंत आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद हमें उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना होता है। तो उनको उनको हम धन्यवाद बोलें तो वो हमारी बहुत खुश होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अब हम बताएं कि ये एंजल थेरेपी काम कैसे करती है। यदि हम अपनी एंजल या देवदूतों से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं तो हम उन्हें अपनी इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाएं बता सकते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने में ये एंजल्स हमारी सहायता करते हैं। अब इन एंजल्स को अपनी इच्छा बताकर उनका पूरा सहायता लेने की प्रक्रिया को ही एंजल थेरेपी कहते हैं। अब ये एंजल थेरेपी यूँ तो हमें अपने आप से भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए सीखा भी जाता है। तो आप सब, हम सब मिलकर के एंजल से हेल्प लें, उनको याद करें, एंजल थेरेपी कहीं सीखें तो उन सीख भी सकते हैं और एंजल्स को याद करें, उनसे अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का सॉल्यूशन के लिए बोलें तो वो आगे से आगे हमारी हेल्प करेंगे। थैंक्स एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।